विद्यार्थी मित्रों, प्राणी जगत का विभाजन असमपृष्ठ रज्जु प्राणी और समपृष्ठ रज्जु प्राणियों, इन दोनों महत्वपूर्ण विभागों में किया जाता है। आज हम समपृष्ठ रज्जु प्राणी मछली और कबूतर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इनकी विशेषताओं को दोहराते हैं। समपृष्ठ रज्जु प्राणियों में पृष्ठ रज्जु नामक एक अवयव शरीर को आधार देता है। अंत कंकाल होता है, ये अस्थियों और उपास्थि का ढांचा होता है जो आंतरिक आधार के लिए होता है। विकास की अवस्था के दौरान क्लोम छिद्र होते हैं। हृदय शरीर के अधर तल में होता है। तंत्रिका रज्जु एक ही खोखली और शरीर के पृष्ठ भाग में होती है। मछली, वर्गीकरण, जगत प्राणी जगत, उपजगत समपृष्ठ रज्जु, उपसंग वर्टिब्रेटा, वर्ग मत्स्य वर्ग, उदाहरण मछली। विशेषताएं, मछली शीत रक्त वाले मीठे या समुद्र के जल में पाए जाने वाले जलचर प्राणी हैं। पानी का अवरोध कम होने के लिए इनका शरीर दोनों ओर से नौकाकार होता है। इनका बाह्य कंकाल शल्क पत्रों के स्वरूप में होता है। तैरने के लिए युगल या युगल पंख होते हैं। पुच्छ पंख का उपयोग तैरते समय दिशा बदलने के लिए किया जाता है। कबूतर, वर्गीकरण, जगत प्राणी जगत, उपजगत समपृष्ठ रज्जु, उपसंग वर्टिब्रेटा, वर्ग पक्षी वर्ग, उदाहरण कबूतर। विशेषताएं, ये प्राणी उष्ण रक्तीय होते हैं। ये वायवीय जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। हवा से प्रतिरोध कम करने के लिए इनका शरीर नौकाकार होता है। बाह्य कंकाल परों के स्वरूप में होता है। इनके अग्रपद पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनकी अस्थियां खोखली होती है और इनमें हवा भर जाने के कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। इनके हृदय के चार भाग होते हैं।